बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजिस्टर्स कम्बिनेशन हमने पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। अगर आपको याद हो, पावर फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 7 में। यूनिट क्या थी पावर की? वाट। तो ये जो बल्ब मिलते हैं, ये भी वाट में मिलते हैं। पुराने ज़माने में बल्ब और अभी जो एलईडी है या एनर्जी सेव वाला, ये भी वाट में मिलते हैं ना, ये वही इनकी पावर होती है। तो ये इतनी पावर लेते हैं, उस पावर को ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं या डेसिपेट करते हैं। डेसिपेट का मतलब होता है ज़ाया करना, कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो आप इसको जितनी पावर रिक्वायर है वो पावर देंगे, तो इसको फिर क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। वो पावर आपको कौन दे रहा है? जो आपको बिजली प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कराची में कौन है? के इलेक्ट्रिक, ठीक है। वो आपको पावर देती है, आप उस पावर को इस्तेमाल करते हैं, उसी का क्या आता है, बिल आता है। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि आप अभी माशाल्लाह आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर। रोज़ाना घर से कोई जेब खर्च लेते होंगे, नहीं? किसी को 50 मिल रहे हैं, किसी को 100 मिल रहे हैं, किसी को हो सकता है 1000 भी मिलते हों। लेकिन मेजॉरिटी आप क्या करते हैं, उसको सारा दिन क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। रात को क्या होती है, जेब फिर खाली। सुबह फिर अब्बू अम्मी को कहना पड़ता है, अम्मी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो यही काम जो है, ये जो देने वाला काम यहाँ कौन कर रहा है, सोर्स या बैटरी। लेने वाला काम कौन कर रहा है या इस्तेमाल करने वाला काम कौन कर रहा है, रजिस्टर। रजिस्टर ने पैसा पावर कंज्यूम करनी है, कोई उसको वो पावर देगा, पैसा देगा, तो उसको फिर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक है। हेडिंग हमने वही डाली है, पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। एक बैटरी हमने रजिस्टर से जोड़ दी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर के एक सिरे से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रजिस्टर के। तो बैटरी का सारा पोटेंशियल किसको मिल रहा है, रजिस्टर को, एक ही रजिस्टर। तो ये मैंने लिख दिया, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। आई क्या है, बैटरी क्या करेगी, हम अगर अगेन पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो एज्यूम करें, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, रजिस्टर में से गुजरेगा, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। अब ये जो चार्ज फ्लो होना शुरू हुए, ये वो पैसा मिला आपको, ये आपका अब्बू है, पैसा हमने ले लिया, रजिस्टर आया, पैसा आपने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। अब आप वापस आए, पैसा नहीं है, अब दोबारा क्या करना है, अबू से पैसे लेने। ये क्या करेगा, ये चार्ज ने अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर लिया, ये क्या करेगा, उस चार्ज को दोबारा एनर्जी देगा। तो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को कम मिलती है जब उस पर काम किया जाता है। अगेन ये भी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में, काम एनर्जी में कन्वर्ट हो एनर्जी। तो ये जो चार्ज एनर्जी लेके गए, पावर लेके गए, इस्तेमाल कर ली बैटरी, वो एनर्जी दोबारा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इन चार्जेस ने एनर्जी डिसिपेट कर दी, इस्तेमाल कर दी। बैटरी क्या करेगा, दोबारा उनको नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव में लेके जाएगा, क्या करेगा, काम करेगा। वो काम क्या करेगा, इनको दोबारा एनर्जी या पावर दे देगा। तो पावर की डेफिनेशन है वर्क डन अपॉन टाइम, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चैप्टर 12 में हमने 2-3 दफ़ा देखा, पोटेंशियल डिफरेंस ये जो वी है, ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो करंट क्या है, करंट बेसिकली चार्ज है ना, करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो आप कह रहे हैं करंट है, तो ये क्यू अपॉन टी था ना भाई, करंट है तो क्या आ रहा है, चार्ज। ये चार्ज जब बैटरी के पास आया, अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर ली इसने, अब इसके पास मजीद एनर्जी नहीं है, बैटरी क्या करेगा, इस पर काम करके इसको दोबारा एनर्जी दे देगा, सही है। और पावर जो है वर्क डन अपॉन टाइम होता है या एनर्जी अपॉन टाइम होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बैटरी के पोटेंशियल ने चार्जेस पे काम किया, चार्जेस को एनर्जी दे दी। इस काम की वैल्यू का अगर यहाँ मैं पुट कर दूँ, इस यहाँ से अगर काम निकाल लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे 1 है, क्यू मल्टीप्लाई बाय वी हो गया, किसके बराबर, वर्क डन के। वर्क डन को यहाँ पुट कर दिया, पी बराबर है क्यू वी अपॉन में टी, अपनी जगह पे क्यू अपॉन टी क्या होता है, करंट। क्यू अपॉन टी क्या होता है, करंट।
तो पावर क्या हो गई? आई वी। ये वो पावर है जो बैटरी या सेल चार्जेस को क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, दे रही है कि ये लो बेटा ले जाओ जेब खर्च, जेब खर्च ले जाओ, अब चार्जेस चलेंगे और यहाँ उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स। वो जो पावर थी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी सिर्फ वर्क अपॉन टाइम, वो तो पावर का जनरल फार्मूला है। अब ये हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट निकाल लिए ना, करंट और वोल्टेज, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारी सोर्स। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर आई रजिस्टर के पास, रजिस्टर उसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स इज डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर आर। ठीक है भाई, पावर या एनर्जी एक ही चीज़ है। इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू। आप जो खाना खाते हैं, बॉडी में केमिकल एनर्जी बनती है, उस केमिकल एनर्जी को अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मुख्तलिफ एनर्जीज़ में। जब हम चल रहे होते हैं हम कहते हैं ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, समझ रहे ना। तो पावर जितनी सोर्स ने डिलीवर की, रजिस्टर ने क्या की, इस्तेमाल कर ली, ये जो जल रहा है डेसीपेट कर रहा है। तो ये पावर डेसीपेटेड भी पी है, किसके बराबर है, जो पावर डिलीवर की है, पावर डिलीवर क्या है, आई वी, ये भी वी आई है। लेकिन रजिस्टर के केस में हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ ने क्या कहा था, वी इक्वल टू आई आर। अगर इस इक्वेशन में वी की जगह आई आर रख दूँ, ये आई अपनी जगह पर देखो क्या क्या, आई स्क्वायर आर। इसी तरह यहाँ से अगर करंट निकालूंगा तो क्या होगा, वी अपॉन आर। आई किसके बराबर होगा, वी अपॉन, अगर आई की जगह वी अपॉन आर रख दूंगा तो वी मल्टीप्लाई बाय वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कंक्लूजन क्या हुआ, जो सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है वो तो वी आई है, यहाँ पे जो कंज्यूम हो रही है वो वी आई से भी निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, रजिस्टर के लिए आपके पास तीन फार्मूले बन गए, वी आई भी है, आई स्क्वायर आर भी है, वी स्क्वायर अपॉन, और ये आई भी है, वी आई जो है ये सोर्स डिलीवर भी कर रहा है, क्योंकि सोर्स में तो यही है, वी है और आई है, रजिस्टर तो नहीं है सोर्स के पास ना, रजिस्टर कहाँ है, वो तो सोर्स के पास लगा हुआ। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, जितना पावर सोर्स ने दी उतनी पावर रजिस्टर ने ले ली, कंज्यूम कर ली। अब उसको मुसलसल सप्लाई करने के लिए सोर्स लगी हुई है, वो जाता है इस्तेमाल कर लेता है, सोर्स दोबारा पावर दे देती है, दोबारा इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए तो काम हो रहा है। जैसे हम बटन बंद करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस गायब हो जाएगा, पावर मिलेगी नहीं, पावर मिलेगी नहीं तो वो कंज्यूम भी नहीं कर सकता। बटन बंद करते हैं बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि बल्ब को पावर मिलना क्या हो गई, बंद हो गई। भाई समझ में आ रहा है भाई, चल वो डिम हो जाता है तो या तो उसको वोल्टेज कम मिल रहा होता है, वो ख़राब हो जाता है, सही जी, बिल्कुल सही है, नहीं कमज़ोर कमज़ोर पड़ जाता है।